और वो नौजवान जिन्होंने देश प्रेम की सांसें भरकर अपनी जान कुर्बान कर दी, हम उनका सम्मान करना कैसे भूल सकते हैं। लेकिन आजादी के 70 सालों बाद भी हमारे देश में अपने जाबाजों को समर्पित कोई वॉर मेमोरियल नहीं था। इसे बदला पीएम मोदी जी ने 2019 में, जब उन्होंने नई दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर देश प्रेम को एक नई दिशा दी। आज हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रकृति के कारण आया हो, हमारे सैनिक ने हमेशा पहला वार अपने ऊपर लिया। हमारे वीर सेनानियों ने मां भारती के कण कण की रक्षा के लिए जीवन आहुत कर दिए। ये बलिदान सिर्फ नाम मात्र से पता नहीं होता है, उसकी भव्यता दिव्यता की अनुभूति करानी होती है। आजादी से लेके अब तक हजारों जवानों ने देश के लिए अपनी जान दी है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है उन्हीं वीरों को उचित सम्मान देने के लिए। ये मेमोरियल एक चक्रव्यूह के थीम में बनाया गया है, जिसमें 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अमर चक्र की अमर ज्योति दर्शाती है हमारे शहीदों के अमरत्व को। वीरता चक्र में है 6 ब्रॉन्ज म्यूरल्स जो भारतीय जंगों की कहानी कहती है। त्याग चक्र के ग्रेनाइट टैबलेट्स पर स्वर्णिम अक्षरों में उन वीरों के नाम है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर की है। और पेड़ों से घिरा रक्षा चक्र समर्पित है उन्हें जिन्होंने हमारी और देश की रक्षा की है। पर इस मेमोरियल की सबसे खास बात है यहाँ की नेक्स्ट ऑफ किन सेरेमनी। सिर्फ शहीद ही नहीं, उनके परिवार वालों ने भी कुर्बानी दी है, किसी अपने की कुर्बानी। इस सेरेमनी में उन्हें यहाँ बुलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करने का मान दिया जाता है। मरेंगे हम भी, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि मरे तो मौत मिले तो ऐसी मिले, तो मरने के बाद भी लोग हमको देखें, याद करें, क्योंकि एक भीड़ का हिस्सा तो पता नहीं कितने लोग होते चले गए, हमको पता ही नहीं है। 12 दिन 13 दिन लोग याद करते हैं, उसके बाद कुछ पता ही नहीं। आज जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनता है तो उस हर परिवार को संतोष होता है, अच्छा मेरे पूर्वजों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया था, मेरा देश उनको भूलता नहीं है, आज भी याद करता है। इस नेशनल वॉर मेमोरियल के बनने से हमारे शहीदों का नाम और उनकी वीरता का ब्यौरा हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगा।